1 जून 2022 इनफॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया ने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर BKC मुंबई में शिपिंग एवं समुद्री उद्योग के प्रतिष्ठित कार्यक्रम इनमैक्स SSM इंडिया का उद्घाटन किया। इस कारोबार मेले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात प्रदर्शक, कंसल्टेंट, कारोबार विशेषज्ञ एवं सरकारी अधिकारी एक ही मंच पर इकट्ठा हुए, जिन्होंने भारतीय एवं विश्व स्तरीय शिपिंग के रुझानों और तकनीकों पर चर्चा की, इन पर रोशनी डाली। तो ये ऑफ कोर्स ये इससे बहुत डबल से ज़्यादा ये बड़ा इवेंट था। ऑफ कोर्स ये पहली बार हो रहा है आफ्टर 2000, तो थोड़ा वी आर सीइंग अ स्लाइटली लेसर रिस्पॉन्स, बट ये हमने सारे सेक्टर्स में देखा है। जैसे आज इन्फो मार्केट्स इंडिया 16 अलग अलग सेक्टर्स में शोज़ कर दिया। आज हमारा फार्मा का भी इवेंट चालू हुआ है नेस्को में। सो जहाँ पे देखा, जो पहली बार एग्जीबिशन होता है वो नियरली 50-60% ऑफ साइज़ होता है जो पैंडेमिक के पहले था। लेकिन दूसरा जो एग्जीबिशन, जहाँ पे हम लोग भी दूसरा जो हमने 2021 में एग्जीबिशन जो सेक्टर में किए, 22 में जो करने जा रहे हैं वो दे हैव क्रॉस 19 का साइज़। तो ये वापस हम लोग नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं, वहाँ पे आई एम श्योर विल बी रॉकिंग रिस्पॉन्स। बट ये साल एक्चुअली हो के पीपल आर वेरी हैप्पी दैट ये हो रहा है 2 साल के बाद, जहाँ पे दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू फिजिकल फेस टू फेस इंटरेक्शन, जो बहुत मिसिंग था। वर्चुअली ये स्पेस में ज़्यादा उतना इंटरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ नॉलेज शेयरिंग होता है। बट जो प्रोडक्ट्स आप देखेंगे यहाँ पे, एक्चुअली प्रोडक्ट के लाइव डेमोज है, वो फिजिकल ही हो पाते हैं ये सेक्टर में। टारगेट इन सेंस ऑफ व्हाट? सो इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 5000 शिपिंग इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स टू कम ये 3 दिन में, और बाकी सारे इंडस्ट्री के गुरुज और जो बोलते हैं जो हुजू है, वो सारे ये सेक्टर में यहाँ पे है, प्रेजेंट है यहाँ पे। किस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो शिप में लगते हैं, जो आपके इंजिन्स रहेंगे, जो आपके मशीन्स रहेंगे, जो टेक्नोलॉजीज रहेंगी, सॉफ्टवेयर रहेगा, जो शिप टू शोर कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजीज रहेंगे, सो सारे अलग अलग यूनिक, और हर एक में अभी नए इनोवेशन्स आए हुए हैं जो लास्ट 2-3 साल में, वो सारे आपको देखने में। और वर्ल्ड और जो यूनिक जो यूज़ हो रहा है, आप अगर देखा जाए इंडस्ट्री बहुत ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है कि उनका समझो 4 साल ऊपर होता है, बाद में 4 साल नीचे होता है। बट अभी ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा, इट्स एट अ लाइफ टाइम पीक, इतना बड़ा पीक उनको देखने नहीं मिला। ये देखेंगे तो अभी बिकॉज ऑफ जो सडन डिमांड आ गया है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया है, ये कोविड की वजह से बंद था, तो शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा शॉर्टेज है। तो उनका कंटेनर्स का शॉर्टेज है, सी फेयरर्स के इश्यूज से, याद है आप 2 साल से सी फेयरर्स शिप पे अटके हुए थे, उनको कोई उतार नहीं रहा था, तो अभी बहुत उनका भी शॉर्टेज चल रहा है। तो ये हिसाब से ये इंडस्ट्री में बहुत सारा अभी डिमांड है। इनफैक्ट फ्रेट रेट सारा हाईएस्ट, लॉजिस्टिक आपको सप्लाई चेन के जो इश्यूज हो रहे हैं ये शिपिंग इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। सो ये राइटली टाइम शो है जिसमें ये सारे इश्यूज़ के बारे में सोल्यूशन डिस्कस हो रहे हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, कैसे आपके लॉजिस्टिक्स प्राइसेस कम किए जाए, कैसे आप शिपिंग को और बढ़ावा दिया जाए, जिससे फाइनली इन्फ्लेशन पे, अपने इकोनॉमी पे इन्फ्लेशन पे जो असर पड़ रहा है उससे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला है, जो इन्फ्लेशन विल बी बैक इन कंट्रोल। नहीं नहीं, ये इनफैक्ट दो डेकेड से हो रहा है। सो इनफैक्ट ये लास्ट टाइम 2019 में हुआ था और ये 12th एडिशन है, 12वां शो है। ये डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, बिकॉज ये 2 साल में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई हुई है और नए नए इश्यूज आए हुए हैं शिपिंग इंडस्ट्री में। जैसे अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स हुए जिससे कुछ चाइन सो मरीन इंश्योरेंस पे फोकस है, आपका डीकार्बनाइजेशन पे और ग्रीन शिपिंग पे भी बहुत बड़ा फोकस है। अभी क्या शिपिंग इंडस्ट्री में देखा जा रहा है, जो उनका जो कार्बन एमिशंस है जिसकी वजह से पोल्यूशन पे असर हो रहा है, तो उसको कैसे कम किया जाए, दे हैव सम स्टैंडर्ड्स की 2050 तक दे हैव टू बी जीरो कार्बन न्यूट्रल। सो उस बेसिस पे भी बहुत जो टेक्नोलॉजीज आई है उसके बारे में बात हो रहा है। कंट्री को अपना एज इंडिया ने अभी सोलार पे जैसे गया, वैसे शिपिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो मूविंग इन टू लॉट ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी। सो वो कुछ नए डायरेक्शन में हो रहा है जो 2 साल पहले इतना नहीं था उसके। सो ये जो हमारा शो यहाँ पे चालू है जियो वर्ल्ड सेंटर में, ये इनमैक्स एग्जीबिशन, ये 12th एडिशन है ये शो का, ये मोर देन 2 डेकेड से, हर 2 साल में होता है।
और ये अभी पेंडिंग के बाद पहली बार हो रहा है। ये शिपिंग और मैरिटाइम इंडस्ट्री के लिए है और यहाँ से सारी शिपिंग और मैरिटाइम इंडस्ट्री से जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स, इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी सारी देखने मिलेंगी। और ये जो शो है, जो इंडिया साउथ एशिया का सबसे बड़ा माना जाता है जो शो है, तो यहाँ पे सारे नॉट ओनली इंडियन बट बहुत सारे जर्मन कंपनी, नॉर्वेजियन कंपनीज सारे एग्जिबिट कर रहे हैं जो शिपिंग इंडस्ट्री। आज देखा जाए इंडिया का सबसे बड़ा कोस्टलाइन है 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा, तो शिपिंग ट्रेड जो है इंडिया का 90% वॉल्यूम और 75% का वैल्यू शिप मरीन इंडस्ट्री से आ रहा है। तो ये और प्लस बहुत सारी शिप बिल्डिंग हो रही है अपनी नेवल डॉकयार्ड्स में, यहाँ पे शिप बिल्डिंग हो रही है, तो ये सारे जो उनको जो इक्विपमेंट लगता है, जो सप्लाईज लगता है, प्रोडक्ट्स लगता है, ये सारे एग्जीबिशन में देखने मिलेंगे। यहाँ पे आपको शिपयार्ड से लोग देखने मिलेंगे, डॉक्स से मिलेंगे, नेवी के मिलेंगे, कोस्ट गार्ड से मिलेंगे। सो ये एक यूनिक एग्जीबिशन जो हमने क्रिएट किया है लास्ट दो डेकेड से, जहाँ पे हमको गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का, आपके पोर्ट्स का, अलग अलग डॉक्स का, सबका सपोर्ट मिलता है। सो आई एम हैप्पी दैट वी हैव मैनेज टू पुट इट अप, 2 साल के बाद ये हो रहा है एंड रिस्पॉन्स इज रियली गुड। और 100 कंपनीज वी आर एग्जिबिटिंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। समुद्र महामार्ग वो तो है, वो तो सागरमाला का प्रोग्राम, सागरमाला इज आई थिंक 7,500 किलोमीटर्स का हमारा जो पूरा कोस्ट लाइन है। सो 7,500 किलोमीटर्स का जो हमारा कोस्ट लाइन है, इनफैक्ट आई थिंक गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर दैट। सो ऑफ द प्रोजेक्ट्स इज सागरमाला में एंड मैरिटाइम विजन जो उन्होंने पब्लिश किया 2020 में, उसमें सागरमाला पे बहुत बड़ा फोकस है एंड दिस करंट मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इज ऑल्सो एमिंग फॉर दैट। ब्रह्मपुत्रा में से ट्रांसफर एंड इट इज़ एक्चुअली द चीपेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रैवलिंग, सो आई थिंक दिस विल कम अप फ्यूचर। ऑल्सो नया फोकस जो गवर्नमेंट का हो रहा है वो क्रूज शिपिंग पे हो रहा है, सो आई थिंक यू वुड हैव अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस इनक्रेडिबल अभी जो हुआ था। So I think so cruise shipping is another focus. They are actually trying to relax, create some policies which are favorable for so that international cruise ships can call ports like Mumbai and other ports. So we have still just scraped the surface. There is a long way to go. If you see in terms of global trade, we are about 8-10% in terms of volume. But in terms of shipping, in fact, in terms of the carrying capacity, in terms of our vessel, we are less than 1%. So इंडिया का शिप ओनिंग, वी आर नॉट अ शिप ओनिंग नेशन रियली। आप देखेंगे तो नॉर्वे अमाउंट ऑफ थिंग, चाइना जो भी है, सो वी डोंट इवन शिप यार्ड। अगर अपना शिप यार्ड जो है, वी हैव अबाउट इन इंडिया टोटल 20 शिप यार्ड, एज अ कंट्री लाइक चाइना इज ओवर 1,000 शिप यार्ड। सो वी नीड टू इन्वेस्ट इन दैट सो दैट वी एंड ऑल्सो क्रिएट पॉलिसीज सो दैट जिससे क्या होगा कि शिपिंग इंडस्ट्री, जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को एक बढ़ावा मिलेगा। वी आर एबल टू क्रिएट बिल्ड दो शिप्स फॉर द वर्ल्ड एंड और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिलेटिवली लो। आज मैं मजगा डॉक के चेयरमैन से बात कर रहा था तो दे आर इनफैक्ट पिचिंग फॉर सम कॉन्ट्रैक्ट फॉर US डिफेंस के लिए, उनके नेवी शिप्स के लिए, एंड ही सेइंग ही इज गारंटिंग दैट वी विल गिव यू एट 50% ऑफ द कॉस्ट फॉर योर मैन्युफैक्चरिंग इन US। उसमें भी हमारा 20% प्रॉफिट है, सो फिर भी हम लोग कर सकते हैं। बट थिंग इज हमारे पास वॉल्यूम का स्केल नहीं हो रहा अभी तक, सो स्केल के लिए वी नीड टू इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्री शिप बिल्डिंग। Definitely then we can supply to आज चाइना, कोरिया, जापान, ये इसमें बहुत आगे है इस फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग शिप। सो देर वॉज लाइक मजगाव टोल्ड मी दे आर कंसिडरिंग एन एरिया इन नवाशेवा विच दे आर एक्चुअली गेटिंग फॉर एक्सपेंशन, बट आई थिंक दिस हैज टू हैपन अक्रॉस जस्ट नॉट मुंबई। देर इज गुजरात कोस्ट, इन साउथ यू हैव places like Vizag, Tuticorin, you have Cochin Shipyard, so all those things, they all have to come together, create this multiple ship ecosystem so that across India at all the shipbuilding capacities raked up really. So first of all, in terms of COVID, I think you say the people impacted, seafarers sabse zyada impacted the because unko koi utar ke nahi le raha tha ports pe, so and say in fact that is one of the major issues aur jo abhi sort out ho raha hai. Now in terms of budgets, of course you will see the technologies for every industry or every jo budget ke liye hai, so there will be some Chinese technologies which might be cheaper, but there are some Japanese technologies which are very high efficient, so it depends. Isme kya hota hai, technology we use karte hai uska life ke upar bhi depend hai, so if you go for cheaper technologies usme aapka life of the product will be also lesser, so it's a cost compromise you have to see. Aap dekh rahe hain Saksham News India, sabse pehle सबसे तेज।